आप देख रहे हैं सवाल भारत का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। चुनाव करीब है और शायद इसीलिए कश्मीर पर सियासत एक बार फिर सुलग उठी है और फिर से आर्टिकल 370 और 35A के नाम पर सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और आर्टिकल 370 पर चुनावी महीने में सियासत साधने के लिए महबूबा मुफ्ती ने तो बयानबाजी की सारी हदें पार कर दी। चुनावी फायदे के लिए महबूबा तो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की डेडलाइन तक तय कर दी उन्होंने। दरअसल महबूबा ने हाल ही में अमित शाह के दिए बयान पर पलटवार किया, जिसमें शाह ने 2020 तक घाटी में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की डेडलाइन की बात कही थी। इस पर महबूबा ने पलटवार किया और कहा कि अमित शाह आर्टिकल 370 खत्म करने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ये तक कह डाला कि आर्टिकल 370 अगर हटा तो 2020 तक कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। इसी पर है आज का सवाल भारत का। आज का पहला सवाल, अब महबूबा मुफ्ती करेंगी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग। और हमारा आज का दूसरा सवाल, कश्मीर पर नेताओं के बिगड़े बोल का इलाज क्या है? कश्मीर पर नेताओं के बिगड़े बोल का इलाज क्या? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जिन शर्तों के साथ भारत में विलय हुआ था, अगर उन्हें ही वापस ले लिया जाता है तो हम मुल्क से अपना विलय तोड़ लेंगे। बताइए ये बयान। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है जिन शर्तों पे, अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया और कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संविधान की धारा 370 को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने ये बयान अमित शाह के हाल ही में एक निजी चैनल पर दिए बयान पर दिया, जिसमें शाह ने 2020 तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म करने की बात कही थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है धारा 370। भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। संसद को प्रदेश में रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। अन्य विषयों को लेकर कानून बनाने पर केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति, सहमति लेनी पड़ती है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में पाकिस्तानियों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है 35A, आर्टिकल 35A। 35A से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 के पहले से यहाँ रह रहे हैं। 1954 के पहले से घाटी में रह रहे लोगों को जमीन खरीदने, रोजगार और योजनाओं का लाभ मिलता है। सिर्फ घाटी नहीं, पूरे के पूरे राज्य में। देश के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर नहीं रह सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरे राज्य के निवासी ना तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है। राज्य की कोई महिला अगर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला के अधिकार खत्म हो जाते हैं राज्य में। चलिए, तो हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल जुड़ा हुआ है इस पर बहस करने के लिए, नेताओं के बिगड़े बोल का आखिर इलाज क्या। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, अमित रैना जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर विजय राठी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित गुरु कांग्रेस के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही जम्मू से हमारे साथ पीडीपी के नेता यशपाल शर्मा भी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। सबसे पहले मैं रिएक्शन लूंगी बीजेपी का, सबसे पहले चलती हूँ जयराम विप्लव के पास, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के बयान को साधते हुए ये बात कही। जयराम विप्लव, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर धमकी दी है उन्होंने सीधी सीधी कि धारा 370 से अगर छेड़छाड़ अगर करोगे तो 2020 तक का डेडलाइन दे रहे हैं भाई, हम भी भारत से रिश्ता तोड़ लेंगे। उनको देखिए, दोनों दलों ने शीतल जी पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में का बहिष्कार किया और जनता ने 70% से अधिक मतदान करके दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज महबूबा और अब्दुल्ला के साथ कितने लोग खड़े हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस हैसियत से यह बात कह रही हैं कि कश्मीर भारत से अलग कर देंगे।
दूसरी चीज संवैधानिक स्थिति उनको मालूम नहीं है और परिस्थितियों को वो जानती नहीं है, इतिहास की गलतियों को जानती नहीं के है साथ आपका उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। शीतल जी मैं आज आपको एहसास हो रहा है कि उनको ज्ञान आपने प्रश्न पूछा वो अगले ठीक है नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको जब हमारे साथ थी तब भी बराबर ज्ञान कराते रहते थे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते रहते थे और जब वो नहीं उनके अंदर का राष्ट्रद्रोही तत्व बार बार जगता रहा तो हमने राष्ट्र के हित में उनसे अपना गठबंधन तोड़ा है। अब आप जरा उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शीतल जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हाँ। देखिए सच्चाई ये है कि जिस आर्टिकल 35A का हवाला दे करके उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आज कह रही हैं कि ये आर्टिकल हट गया तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा, वो जिन शर्तों की बात कर रहे हैं तो उनको इतना तो ज्ञान होगा कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तब भी ये आर्टिकल 35A नहीं था, जब भारत का संविधान अपने अस्तित्व में आया 1950 में तब भी ये आर्टिकल 35A नहीं था, और ये आर्टिकल 35A 1954 में पीछे के दरवाजे से पंडित नेहरू ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो अमित शाह जी ने डंके की चोट पर कहा है कि 2020 तक राज्यसभा में पूर्ण बहुमत लाएंगे और इन आर्टिकल 35A हो या धारा 370 हो जिसने कश्मीर को भारत से अब तक वहां पर समस्या बना के रखी है उसको हटा के साफ करेंगे। अमित रैना कैसे कोई महबूबा मुफ्ती ये कह सकती है, कैसे कोई नेता घाटे का ये कह सकता है कि 2020 तक हम तय करेंगे कि भारत से विलय होगा या नहीं होगा अगर धारा 370 हटाई गई, किस तरह का बयान है ये? देखिए पिछले 3.5 साल की सरकार चलाने के बाद आज PDP का अस्तित्व खतरे में है कश्मीर में। जम्मू से तो साफ हो ही गए हैं, कश्मीर में भी 3 सीटों पे जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे भी महबूबा मुफ्ती को शायद खुद नहीं पता वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी और इस कारण उनके ऐसे बयान आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि PDP हमेशा से अलगाववादी पसंद पार्टी रही है, आज की नहीं है, 1990 में आप सोचिए 89 में रुबिया सईद महबूबा मुफ्ती की बहन किडनैप होती है, JKLF किडनैप करता है और पिछले हफ्ते महबूबा मुफ्ती JKLF के सपोर्ट में स्टेटमेंट देती हैं अपनी बहन के आतंकवादी जिन्होंने किडनैप किया उस आतंकवादी के सपोर्ट में स्टेटमेंट देती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, BJP को सोचना चाहिए था उस समय क्यों गए उनके पास, मगर आज जो कश्मीर में जो लीडर्स हैं इनकी दुकानें चलती हैं, इसमें सिर्फ सीटों का हिस्सा नहीं है, इसमें बिजनेस का हिस्सा है, इसमें पावर का हिस्सा है, और जहां आप 370 हटाते हैं 35 से हटाते हैं पूरे देश से वहां इन्वेस्टमेंट होता है तो उनके बिजनेस पे उनके बेनामी प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट होता है और इस कारण वो खिलाए जाते हैं। और शायद आज इलेक्शन लड़ने के लिए हिंदुस्तान से तो कोई उनको पैसा दे नहीं रहा है तो शायद पाकिस्तान से पैसा आ रहा हो और अगर पाकिस्तान से पैसा आ रहा है तो उनको उनकी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। ठीक है अवधेश जी, इस बेतुके बयान पर आपका आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि एक इंडियन पॉलिटिशियन जो कि अलायंस में थी BJP के साथ जिनकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले तक, इस तरह का बयान दे रही है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? नहीं, ना तो मुझे महबूबा का यह बयान बेतुका लगा है ना मुझे हैरानी हुई, अगर वो ना बोलती तो मुझे जरूर हैरानी होती। नहीं पर इतना एक्सट्रीम एक्सट्रीम पहले भी वो ऐसा है कि उनकी पार्टी का जो 2002 का उनका घोषणा पत्र था उसमें तो पाकिस्तान का भी रुपया चलाने की बात कर रही है, उसमें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में स्वायत्तता की बात कर रही है। तो जिसका जन्म ही हुआ है, जिसके पिताजी ने चुनाव के बाद आतंकवादियों और पाकिस्तान को भी धन्यवाद दिया था, उनसे हमें उम्मीद क्या कर सकते हैं? लेकिन महबूबा को गलत फहमी है, शेख अब्दुल्ला को भी गलत फहमी थी, जिस नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को बढ़ाया उन्हीं को लेकर जेल में डाल दिया और कितना लंबे समय तक जेल में रहे। लेकिन ये महबूबा का नहीं है, कल का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, देखिए ये पूरी परिस्थिति देखिए इस समय। हाँ, हाँ। जो भाषा महबूबा मुफ्ती बोल रही है, जो वही भाषा करीब करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है और ठीक वही भाषा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकल रही है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में 1971 से लेकर 2014 तक कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि कश्मीर का विलय एक विशेष परिस्थिति में हुआ है, हम उसका सम्मान करेंगे और 370 को बनाए रखेंगे। कांग्रेस ने 370 लाया
लेकिन घोषणा पत्र में उसको कहने की जरूरत, तो एक तरफ अगर वो बोल रही है और आप कह रहे हैं कि 370 हम बनाए ही रखेंगे, देश की भावना है कि कश्मीर के का भारत में 26 अक्टूबर 1947 का जो 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 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो कंप्लीट है, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सवाल है कि जब राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रकार से बात कर रही है तो महबूबा से आप क्या उम्मीद करते हैं। मैं जो कहना जा रहा हूं, देखिए ये समय आज आपने जो डिबेट रखा है ये केवल 370 नहीं है, कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में कश्मीर को लेकर के और खासकर सुरक्षा को लेकर महबूबा मुफ्ती को प्रोत्साहन मिला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कांग्रेस वही बात कही है जो 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 हमारी पार्टी करती रही है। ठीक है अवधेश जी, वो जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सेना को लेकर और जो तमाम वो, उस पर मैं आ रही हूँ, वो भी हमारी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन पहले हम इस बयान के ये जो बेतुका बयान जिस पर पूरे देश को हैरानी हुई, ठीक है हमें सभी को पता है कि थोड़ा सॉफ्ट रही है पीडीपी सॉफ्ट रही, लेकिन ये कि 2020 का डेडलाइन, मतलब खुल्लम खुल्ला इस तरह की बात। कांग्रेस के पास चलती हूं मैं, हमारे साथ अमित गुरु कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमित गुरु, जब आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी इस तरह का स्टैंड ले रही है, तो रीजनल पार्टी जो कि हमेशा से इस तरह का स्टैंड रखती आई है, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? और क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, मैं जानना चाह रही हूं कि पीडीपी के नेता यशपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगता है यशपाल शर्मा से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, अमित रैना आप कुछ कहें। मैं 35 पे आर्टिकल 370 पे डॉक्टर करण सिंह जो सीनियर कांग्रेस लीडर है और उसमें सदर रियासत थे, उनका स्टेटमेंट आज अखबार में आया, इंटरव्यू आया है, जिसमें वो कहते हैं कि जब 47 में एक्सेशन साइन हुआ तो जम्मू कश्मीर के महाराजा ने या जम्मू कश्मीर के स्टेट ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी 370 की। 370 का देन कांग्रेस की तरफ से गिफ्ट था और हमने ले लिया, हमारी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं थी। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एक अलग आइडेंटिटी की बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और जो बात है 35A की, 35A अपने आप में इतना डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, शायद वो किसी भी पैरामीटर कॉन्स्टिट्यूशन को मीट नहीं करता, आर्टिकल 14 को तो सीधे वायलेट करता है। आप देखिए, आप कह रहे थे 1954 से पहले जो लोग कश्मीर में रह रहे थे उनके लिए सिटीजनशिप नहीं, 1944 में ये कहा गया कि जो 1927 का स्टेट का एक्ट है उस समय एक्ट में डिफाइन किया, 1962 में जो कश्मीर में रह रहे थे वो हैं सिटीजन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बाद जो आए हैं वो क्लास टू सिटीजन बनते हैं। 54 में अमेंडमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स की कमी थी जम्मू कश्मीर में, और वाल्मीकि समाज को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, मगर अब आपने बुलाया है तो आपने उनको नौकरी देनी है, नौकरी देनी है तो फिर 35A में एडजस्ट नहीं होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट ऐसा है कि आप स्टेट सब्जेक्ट तब तक रहेंगे जब तक आप सैनिटेशन का काम करेंगे। तो यानी आज अगर एक वाल्मीकि समाज का बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, तो नहीं बन सकता, वो स्टेट सब्जेक्ट तभी रह सकता है। अरे एक वाल्मीकि समाज की लड़की वो मुंबई में जाके PhD करके आई, उसने अप्लाई किया, कहा कि नहीं आपको तो कानून के आधार पर यहाँ नौकरी मिल ही नहीं सकती, आपको तो केवल झाड़ू पोछा लगाना है, तो ये तो है ही है उसमें। 1947 में 47 में जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, देश का बंटवारा हुआ, उनको आज तक स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, ओके। आप डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं जनरल राज कादियान के पास चलूंगी, और उम्मीद करते हैं कि पीडीपी के नेता भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। डॉक्टर राठी, देखिए शीतल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2019 में डिबेट नहीं चल रहा, ये 2014 में डिबेट चल रहा है। जैसे ही 2014 के इलेक्शन आने वाले थे, तब भी जो देश का नैरेटिव था, समझिए कहीं ना कहीं ये इस समय भी उसी तरफ मोड़ा जा रहा है। जो लोग 3.25 साल कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाएं, वहाँ दोनों, मुझे तो ये लगता है दोनों मिले हुए हैं इस चीज़ में। आप ये देखिए कि वो वहाँ वोट बटोरने के लिए उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर में ये हो जाएगा, यहाँ इन्होंने कह दिया कि 2020 तक कर देंगे। 5 साल क्या किया इन्होंने? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 370 जिस टाइम पे इनका गठबंधन हुआ, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन लोगों ने यही प्रावधान रखा कि 370 को नहीं छेड़ेंगे हम। 5 साल किसने रोका? जब नोटबंदी GST पे किसी ने नहीं रोका, तो 370 हटाने के लिए किसी ने नहीं रोका। लेकिन शीतल जी, ये पूरा नैरेटिव देखिए, देश में आज जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये एक और जुमला छोड़ दिया कि 2020 तक हटा देंगे। तो मेरा प्रश्न यही है कि 5 साल किसी ने अड़ंगा नहीं लगाया, आप नहीं हटा पाए, लेकिन देश को आप इस समय
जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे मोड़ नहीं सकते। ठीक है देश ओके, जानता है इस बात को। जयराम विप्लव इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। जयराम विप्लव बीजेपी, संख्या घटाने और अलगाववादी आतंकवादियों से बात करने की बात वो क्यों मेंशन कर रहे हैं? कौन ले जा रहा है चुनाव में इन मुद्दों को? हमने तो अभी तक घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया है भाई। नहीं, उनका ये 370 किसने बोला है भाषण में? 370 कौन लाया निकाल के? गरीब किसान पे बात क्यों नहीं किया आप? जीएसटी पे बात क्यों नहीं करते? तो उस पर हमेशा बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते आप? क्या आप हमेशा हर जगह सेना, धर्म, राष्ट्रवाद? आप जानते हैं किसान का राष्ट्रवाद? राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा आप किसान का राष्ट्रवाद जानते हैं क्या? रामगोपाल यादव की आलू के किसानों को दाम नहीं मिल रहा, बिहार में टमाटर सब किसानों ने नष्ट कर दिया। रामगोपाल यादव की भाषा बोले? आपकी बता दूं, महाराष्ट्र में रिलायंस को एक कंपनी को 143 करोड़ का फायदा हो गया बीमा में, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? कश्मीर में जनरल राज का ठीक है ओके ओके। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, थोड़ी देर चीज मुझे पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता शशि तल जी, एक सवाल मेरा ये है, पूरा एक सवाल पूछ चुके हैं ना आप, अब अगला अब अगली बारी में पूछिएगा, बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए। जनरल राज कादियान के पास चलूंगी और जनरल राज कादियान को प्लीज विंडो में ले आए। जनरल राज कादियान, ये जो महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है कि 2020 तक भारत से अलग हो जाएंगे अगर 370 को हटाने की बात कही तो, 2020 का डेडलाइन महबूबा मुफ्ती तय करती हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? शीतल जी, मेरे हिसाब से महबूबा मुफ्ती का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो आजकल इलेक्शन का माहौल है, जो गर्मा गर्मी चल रही है, अगर वो साउथ कश्मीर से नामांकन पत्र फाइल कर रही हैं जहाँ के मिलिटेंसी अभी भी एक्टिव है, तो जाहिर है वो वही बात बोलेंगे जिससे उनको लगेगा कि वोट डालेंगे लोग उनके कहने से, क्योंकि वहाँ तो मिलिटेंसी एक्टिव है। दूसरा जो बड़ी बात वो ये है, ये मैं अमित शाह जी ने जब संडे को एक प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने ये सवाल के जवाब में कहा था कि 2020 तक हम 370 हटाएंगे क्योंकि अभी उनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, जो उनको उम्मीद है 2020 तक आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने 2020 का, जहाँ तक मैंने समझा, उन्होंने कहा था। देखिए, देश में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर हमने देश को एकत्रित रखना है, देश का एकाकीकरण करना है, तो हर नागरिक के ऊपर एक यूनिफॉर्म कानून लागू होना चाहिए। 370 जब लाया गया था, शायद उस वक्त इसकी जरूरत महसूस की गई होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, 101 बार हम इसमें संशोधन कर चुके हैं, अगला भी हो सकता है। मैं समझता हूँ पूरे देश में जहाँ जहाँ और भी देश प्रांतों में शायद 356 भी कहीं है, सबको हटाना चाहिए। अगर इंटेग्रेट करना है हर नागरिक को भारत की तरफ, तो यूनिफॉर्म लॉ लगाना जरूरी है, ना 35A होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेटरी है, ना 370 जिसके नीचे आपने एक स्टेट लेजिस्लेचर को किस्म की वीटो पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट में जो एक्ट पास करे वो उसको हाँ या ना बोल सकते हैं, तो ये सब हटना चाहिए मेरा मानना है। ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। अमित गुरु, महबूबा मुफ्ती की डेस्परेशन, उनकी मजबूरी तो समझ में आती है कि चलिए साउथ कश्मीर में गई थी, वहाँ ये बयान दे दिया, हमेशा से उन पीडीपी का ये स्टांस रहा भी है, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है, राष्ट्रीय दलों की क्या मजबूरी है? आपके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर पर अलग अलग मुद्दों पर जो नरम रुख आपकी पार्टी ने इख्तियार किया, फिर चाहे सेना को लेकर आपने कहा कि घाटी में सेना की मौजूदगी को कम करेंगे, धारा 370 को लेकर, आपकी क्या मजबूरी है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, चुनाव आ गया है। अभी हमारे जो यहाँ एक भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अमित शाह ने 2020 तक जो है 370 हटाने की बात कही है। यही सगुफा है भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी पार्टी पूरे देश में फेंकते हैं। सवाल भटका, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में, अच्छा हम नहीं, 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 मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। आप राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को क्या मजबूरी है? महबूबा मुफ्ती की मजबूरी दो मिनट के लिए समझ भी लें कि अपने वोटर को लुभाने के लिए ऐसा बयान दे दिया। आपके मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर पर जो आप लोगों ने बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्यों नहीं पूछती? मैं पूछ चुकी हूँ, आपकी बारी, आपसे पूछूंगी, किसी से पूछूंगी मैं? आप उससे क्यों पूछ, क्यों आपसे क्यों नहीं पूछूंगी मैं? उनसे पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ जाता है, आप मुझे अपने मैनिफेस्टो का जो बयान आया है, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
आपने कहा घाटी से सेना की मौजूदगी कम करेंगे, 370 पर आप नरम हो गए, हर चीज पर जवाब दीजिए ना। आपके सवाल, आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप आपका सवाल आ गया, मेरा जवाब सुनिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप लगातार वही सवाल अस्पष्ट, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा मुझे। देखिए, पहले तो चुनाव आ गया, हमने मैनिफेस्टो जारी किया और उसका प्रोपेगेंडा जो है फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप चीजों को गौर करिए, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम ये करने वाले हैं, हम तो ये नहीं सोच पाते महबूबा मुफ्ती किस दिमाग से बात कहती हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपसे महबूबा मुफ्ती के बारे में बात ही नहीं की, बीजेपी की बात ही नहीं की, मैं आपसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रही हूं। आप मुझे उसका जवाब देंगे? नहीं नहीं देंगे आप जवाब। मैं मैनिफेस्टो के ही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मैनिफेस्टो के ही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो पे जो हमने लिखा है उसको पढ़िए आप। हम 370 या फिर उसमें एब्सा एक्ट के बारे में है या 124A के बारे में है, पढ़ करके आइए। स्पष्ट किया है, पृष्ठ संख्या 35 पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आप कहते हैं क्या कहते हैं? आप हमारी बात सुन लीजिए। अरे सेना के बारे में पेज संख्या, अरे भाई आप 35 और उत्तराखंड और मणिपुर की बात कर रहे हैं आप? और हमने उनसे ये कहा था कि आप पूरे देश का नेतृत्व करिए, प्रधानमंत्री बनिए, और हमने पंजाब की जो अशांति थी, जो वहाँ का आतंकवाद था, हमने उसको खत्म करने का काम किया। कश्मीर में भी हमने हमेशा अमन चैन बरकरार रखा है। आप सुनिए हमको, पहले नागरिकों को गायब करती है, सेक्सुअल वायलेंस करती है और लोगों के साथ टॉर्चर करती है। जरा अपना घोषणा पत्र पढ़ करके डिबेट में आया कीजिए और उत्तर दीजिए कि आपने एक बार फिर भारत की सेना का अपमान क्यों किया? आप मुझे ये ना बताएं मुझे डिबेट में कैसे आना है। आप एक मिनट आप मुझे ये ना बताएं पहली बात। अरे अपना घोषणा पत्र पढ़ करके आओ भाई, तो मेरे सामने स्क्रीन है, अपना घोषणा पत्र पढ़ के तो आप आओगे ना सर? और बार बार मेरी फोन कट भी रही है। नहीं नहीं, आपकी फोन कटी। अरे मैं बिल्कुल पढ़ के आया हूँ, आप वहाँ से कैसे इस बात का दावा करते हैं? हम अपना घोषणा पत्र नहीं पढ़ के आते हैं? क्या बात करते हैं आप? आपको कैसे पता मुझे अपने घोषणा पत्र के बारे में मालूम नहीं है? आप 35 पे की बात करते हैं? आप उत्तरांचल और मणिपुर की स्थिति को आपको आपको पता ही नहीं है? हमने 2014 तक कश्मीर में शांति का माहौल बना के आपको दिया था। आपने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को और फैलाया। 2 साल सरकार क्यों चलाई? ये तो समझने वाली बात है। आप लोग इस मुद्दे पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, 6.5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 5 साल मोदी रहे, 370 हटाने नहीं गए। हमने अब हटाने की बात 2020 में कर रहे हैं। आपसे वोट लेंगे, वोट लेने के बाद फिर इन प्रकरणों को भूल जाएंगे। आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सेना चलो ठीक है, मैं आती हूँ। आदेश, आदेश, क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलने में वे चले भाई? निकलना चाहिए। हाँ, आदेश। देखो इसको एक दूसरे देखिए, पहले पहले तो मैं आपको एक चीज, मैं एंकर महोदय आपको बता दूं, पहले तो शुरुआती दौर के भी तमाम तथ्य मैं सुन नहीं पाया किसने क्या बोला। बेहतर परिणाम ये भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनों बेहतर साबित करने के लिए जो कुछ काम किया है, मैं समझता हूँ पिछले 30-40 सालों में जो कश्मीर की सच्चाई देश के सामने नहीं आई थी वो आ गई है। बहुत सारी चीजें देश के सामने आ गया कि अलगाववादी कैसे पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं, कैसे आतंकी फंडिंग हो रही है। 11-11 लोग अरेस्ट हुए, एनआईए अरेस्ट कर रही है, जांच कर रही है, छापे मार रही है, तो इससे बहुत सारा देश में जागरण हुआ है भाजपा के पर हमला करने के कारण से। दूसरी बात जो आई है, पीडीपी पार्टी टूट गई है, उसके विधायक उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं, किसानों की समस्या नहीं करनी है। जब आप चुनाव में जाते हैं आपको धर्म याद आता है, भारत और पाकिस्तान याद आता है, कश्मीर याद आता है। जो 3 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से शानदार देशद्रोही कोई नहीं है, देशद्रोह आप लोग करते हैं। पाकिस्तान क्या बात करेंगे? उम्र
और अब्दुल्ला के साथ जो कहता है कि क्या बात कर रही है आप टीडीपी के साथ खड़े अरे शर्म करो पार्टी की सरकार आप टीडीपी के साथ क्यों बनाई गई थी आज वही अगर आज वही महसूबा का एक साथ तो पूरी आदेशी की बात खत्म कर दीजिए आज से की बात खत्म कर दीजिए प्लीज उसके बाद बारी बारी से बोलिए आप तो इनकी ऑडियो कम करें प्लीज वन पर्सन एट अ टाइम वन पर्सन सवाल करेंगे तो बीजेपी का उत्तर देगी बीजेपी से सवाल करेंगे तो कांग्रेस का देगी जो समाजवादी पार्टी के हमारे भाई करते ठीक है बेरोजगारी किसान सारे मुद्दे हैं बात होनी चाहिए लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं है इस समय 370 देशद्रोह कानून अपसपा ये सब देश की बातें हैं अगर केवल केवल पेट और रोजगार ही अगर होता तो अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ते इतने क्रांतिकारी पैदा नहीं होते इसलिए देश से के सामने सब कुछ कमजोर है भारतीय जनता पार्टी ने गलती की होगी उससे एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी लेकिन इस देश को तोड़ने की बात करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जनता का भी विद्रोह होगा मैं समझता हूं कि कम से कम चुनाव के बाद जो भी सरकार आए उसको इनके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर विजय राठी देखिए शीतल जी अवधेश जी ने बात तो बिल्कुल सही कही है कि देश से बड़ा कोई नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाई साहब से और बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या देश सिर्फ दो महीने ही बड़ा होता है जब तक चुनाव होते हैं क्या पिछली बार भी 2014 में देश दो ही महीने बड़ा था क्या अभी भी 2019 में एक महीने बड़ा है जब चुनाव होंगे देश बड़ा उससे वो जो 5 साल है क्या पूरे 5 साल में जब 2014 में इलेक्ट होके आए थे क्या ये देश को भूल गए उस समय 370 याद नहीं आई अब मेरा सवाल यही है क्या उस टाइम पे देश बड़ा नहीं था देश हमेशा बड़ा है बड़ा था और बड़ा रहेगा लेकिन ये पूरा नैरेटिव देखिए आज बहस क्या चल रही है सभी प्राइम टाइम पे किसानों को छोड़ के बेरोजगारी को छोड़ के धारा 370 की बात है और ये धारा 370 आने वाले एक महीने तक चलेगी लेकिन जैसे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद से फिर खत्म हो जाएगी इसलिए हम लोग कहने वाले हैं कि ये जुमला पहले भी साबित हुआ जुमला साबित होगा इस बात की क्या हमारे साथी ने कहा का मुद्दा सवाल उससे करूंगा समाजवादी पार्टी मैं सवाल उससे करूंगा जिसने हटाने को कहा था धारा 370 लगी हुई है समाज में उससे करूंगा जिसने कहा हटानी है तो हटाई क्यों नहीं कम से कम कोशिश तो होती कम से कम कोशिश तो होती इस समय भारतीय जनता पार्टी कोशिश कोशिश नहीं हुई ना समाजवादी पार्टी आज अगर आपको किसान याद आ रहा है आपको शायद ये शायद भूल रहे हैं कि 30 साल हो गए इसी देश में 7 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ जेनोसाइड हुआ जिसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज एक मिनट मुझे बात करनी दीजिए अपनी मुझे अपनी बात करनी दीजिए वो याद नहीं आया आपको वो आपके मैनिफेस्टो में नहीं आया आपको 7 लाख लोग नहीं दिखे जो बेघर है एक आतंकवादी के लिए आपने आज तक कहा कि उसको अरेस्ट करिए एक बता दीजिए जिसको कन्विक्ट किया गया हो आप लोगों को भी तभी यह देश याद आता है जब इलेक्शन याद आता है क्यों नहीं बात करते अपने कश्मीर हमलों की से सेना क्यों के नहीं बात करी आप आज कह रहे हैं आप बता दीजिए कोई ऐसा बयान देश के खिलाफ कांग्रेस और रही बात किसानों की बात कांग्रेस आज कह रहा है सरकार ने 1788 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया था कांग्रेस आज कह रहा है सिंचाई माफ की थी 700 करोड़ की सरकार बनते ही 36 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की तो सरकार बनते ही देश करते हैं फौजियों को मरने दे हमेशा फौजियों के कश्मीरी लोगों को मरने दे इस सरकार से आपकी फौजी मरे फौजी मरे मैं सबसे ज्यादा फौजी मरे ये कह रहे हैं फौजी हम लोग आप कह रहे हैं फौजी मरे मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं आप लोग घर से सबसे ज्यादा फौजी लोग क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सही को कंट्रोल करेंगे ताकि आतंकवादी जो मरे उसके घर वाले कहें कि ये मर्डर हुआ ये आतंकवादी नहीं मरा ये मर्डर हुआ ये है आपका प्लान और उनको सहायता देने का काम ये प्लान है आपका समाजवादी सरकार का एक बयान आप बताइए
समाजवादी सरकार का एक बयान आप देश के खिलाफ बताइए आप समाजवादी सरकार का एक बयान समाजवादी सरकार का देश के खिलाफ बताइए आप लोग आप महबूबा मुफ्ती का समर्थन गोद में कौन बैठा आप महबूबा मुफ्ती का समर्थन बैठा आप महबूबा मुफ्ती का समर्थन करेगा इन सभी की आवाज कम करें इन सभी की आवाज कम करें मुझे सवाल अरे रुक जाइए सज्जाद किसके कोटे से बनता है महबूबा मुफ्ती का बयान समर्थन करते हैं क्या बताइए अब्दुल गनी का बेटा किसके कोटे से मंत्री बना बताइए ना बीजेपी के कोटे से मंत्री बना था बीजेपी क्योंकि बीजेपी सत्ता में बीजेपी है सत्ता में बीजेपी है करिए ना आप अपनी बात करिए आप 370 के हक ओके प्लीज काम डाउन क्वाइट एवरीवन आई हैव अ क्वेश्चन मेरे पास एक सवाल है अब प्लीज खामोश रहिए मैं जाऊंगी कांग्रेस के पास अमित गुरु प्रवक्ता कांग्रेस के अमित गुरु आप मुझे ये समझाइए मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके घोषणा पत्र में ये जो बातें कही गई हैं जो आपने वादे किए हैं कि सत्ता में आने पर सुरक्षा बलों के अधिकारों और नागरिकों के मानवाधिकारों में AFSPA कानून के तहत संतुलन बनाने के लिए संशोधन करेंगे जबरन लापता करने यौन हिंसा यातना में मिली छूट इम्यूनिटी को हटा लिया जाएगा आप और आपने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो घाटी से सेना की मौजूदगी कम करेंगे सूबे के सभी लोग चलिए यही अलग बात है मुझे ये तीन पॉइंट समझाइए इसका क्या औचित्य है फिर मैं जनरल राज कादियान से भी इस पर बात करूंगी प्लीज मुझे समझाइए मैं आपको बड़ी साफ गोई से बता दूं मैं समझना चाहती हूं अभी आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो एफसा कानून आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा ये क्यों कहा क्या कहा नहीं ठीक है मैं हाँ बिल्कुल अभी आपने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि जो एफसा कानून है उसमें हमने संशोधन करने का हमने खत्म करने की बात नहीं की है संशोधन करने की बात की है दूसरी चीज एक होता है हर जगह एक ट्रायल बेस होता है आपने पंजाब के आतंकवाद को देखा हमने वहां उसको शांत किया 2014 से 2014 करेंगे क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कमजोर करेंगे किस तरह का संशोधन उसी को हटा रहे हैं आप यही तीन तरह का आप कमजोर बिल्कुल नहीं करेंगे आप चाहते हो एक फौजी जब आतंकवादी को मारे तो उसके घर वाले अगले दिन थाने में जाएं और कहें इस फौजी ने आतंकवादी को नहीं मारा एक मर्डर किया अंदर करिए या किसी को पकड़ के पुलिस के हवाले करें तो यातना हुआ है कोई महिला पकड़ी जाए तो यौन हिंसा यही तो तीन ये तो आप मैन इम्यूनिटी है जवाब दीजिए इसका आप प्लीज आप ही लोग आपस में बात कर लीजिए फिर नहीं, नहीं, आप बोलिए अब आपके पास पूरा एक मिनट अगला एक मिनट कोई आपको नहीं रोकेगा लेकिन हमें समझाइए कि आपने देखिए ऐसा है हम 2014 में जब हमारे हाथ से सरकार गई और नई सरकार आई उस समय तक कश्मीर का हालात इतना खराब नहीं था जितना इस सरकार ने कर दिया है आज स्थिति ये बनी है हमने मैं आपको बताऊं जब पंजाब में आतंक चरम पे था हमने वहां सलूशन निकाले आज वहां शांति है हमने एक पंजाबी एक सिख को 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा देखिए मेरा साफ कहना है महबूबा मुफ्ती के बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता वो मैं उसका समर्थन भी नहीं करता पहली चीज दूसरी चीज 124 ए का जहां तक मामला एक मिनट देशद्रोह के मुकदमे का जहां तक मामला है मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए आपके सवाल एक बार में तीन सवाल आ गए मैं दे रहा हूँ जवाब 124 ए के मामले में अंग्रेजों के समय का ये कानून है एक मिनट अंग्रेजों के समय का ये कानून है 124A और आपको बता दूं बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ पूरा अंग्रेजों के जमाने का है कैसी बात कर रहे हैं आईपीसी पूरा अंग्रेजों के जमाने का आप लोगों को खड़ा होना है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ और चिल्लाना है भारत तेरी बर्बादी के नारे और कांग्रेस आज उसको लीगल करना चाहती है ये तो समझ नहीं आता रावलपिंडी में मैनिफेस्टो बनाया कि दिल्ली में मैनिफेस्टो बनाया डिक्शनरी से उठ के यहाँ चली आई आप हमारी बात समझिए 124 में संशोधन की जब आपने 2010 से 2014 में 8000 लोगों को गिरफ्तार किया 124 में तब याद नहीं आया आपको साबित कर देंगे कन्हैया कुमार को आप देशद्रोही साबित किए और आईटी एक्ट में जब आप संशोधन लाए तब आपको याद नहीं आया फ्रीडम ऑफ स्पीच का कन्हैया कुमार को जेल नहीं भेज पाए ऐसे तमाम साहित्यकारों को आपने जेल में भेजा देशद्रोही सर्टिफिकेट कांग्रेस हम कह रहे हैं राहुल गांधी जारी करते हैं
आप समझिए बात को, देश को वही लगता है जहां आपके किसी कितने से हिंसा पहले और देश को खतरा हो। अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, छोटे-छोटे मामलों में आप देश को शर्म करवा दर्ज कर लेते हैं। हमारा फोकस उस पे कि छोटे-छोटे मुकदमे आप रेडी हमारे पास एनएसए और रासुका जैसे कठोर कानून है। इस देश में एनएसए और रासुका जैसे भी कानून है हमारे पास। क्या जनरल राज कादियान ये जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही गई हैं, इसको एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक फौजी होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? क्या करने की कोशिश या क्या कहने की कोशिश की है कांग्रेस ने इस तरह से, वोट बैंक की सियासत? कोशिश में तो कोई शक नहीं, ये पॉपुलिज्म है। हाँ, ये लोकप्रियता के लिए ऐसा बोला गया है। मैनिफेस्टो में वही बातें डाली जाती हैं जिससे वो पार्टी को लगे वो पॉपुलर हो जाएंगे और उनको वोट मिलेंगे। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, ये फौजों ने नहीं मांगा है, ना ये फौजों की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर है एक सिपाही अगर आप उसको बगैर उसकी मर्जी के हुक्म से एक ऐसे एरिया में भेजोगे जो डिस्टर्ब्ड एरिया है और वहाँ फिर उसको ऑपरेशन करने के लिए हुक्म मिलेगा और अगर उस ऑपरेशन में कोई जेन्युइन गलती होती है फिर आप उसको बोला आप कोर्ट कचहरी के चक्कर 20 साल तक लगाओ, कौन सिपाही वहाँ ऐसा काम करेगा? ये देश की कोई भी पार्टी पावर में आ जाए इसको डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस ने कहा है, जहां तक मैंने मैनिफेस्टो में देखा है, कि वो दो चीजों को हटाना चाहते हैं, एक सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा टॉर्चर। लेकिन ये दो का हिस्सा ही नहीं एक्ट, कौन सा एक्ट इजाजत देगा कि आप सेक्सुअल असॉल्ट करो या टॉर्चर करो? अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको सजा दी जाती है। एक सिपाही तो दो कानून के नीचे आता है, पहले फौज उसको सजा देती है फिर सिविल कानून के नीचे आता है। तो ये प्रावधान तो है नहीं, जो उसमें 5-6 सेक्शन हैं कि आप सर्च कर सकते हो, आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके देश की सुरक्षा में जरूरी समझो, उनको कोई भी पार्टी नहीं बदल पाएगी अगर देश को आपने सुरक्षित रखना है तो। फौज का इसमें सवाल नहीं है, फौज तो उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे वो पीडीपी, इस एक्ट को कोई भी सब्सटेंशियल तौर पर अमेंड नहीं कर सकता, नहीं तो देश की सुरक्षा के वो हित में नहीं होगा। ठीक है, अमित रैना कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राजकादन जी से यही पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, तो कौन सी, अगर ये पॉपुलिज्म का मेजर है एफसपा को लेकर 370 को लेकर, तो कौन सी कैटेगरी, कौन से लोगों को ये एड्रेस करना चाहते हैं? क्योंकि देश के नागरिक तो नहीं चाहते ये, तो कोई तो ऐसा तबका होगा जिसको एड्रेस करना चाहते हैं। पॉपुलिज्म छोटा शब्द, ये पॉपुलिज्म तो है नहीं, देखिए पॉपुलिज्म छोटा शब्द है, घोषणा पत्र का मतलब होता है कि पार्टी की आइडियोलॉजी। मैं बता रहा हूं कि मुझे जितने मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र देखे हैं, जब मैं कल पढ़ने लगा तो मुझे हुआ कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसने देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया, कश्मीर में अकेले और साथियों के साथ सबसे ज्यादा समय तक राज किया है, कि ये माओवादियों का घोषणा पत्र है। मुझे तो लगता है कि जो कंसल्टेशन कांग्रेस ने किया है, तो जो आतंकवादी अलगाववादियों के समर्थक देश में अलग अलग छद्म वेश में रहते हैं, उन लोगों ने पूरा अपना एजेंडा भेजा है, कंसल्टेशन में गए हैं कांग्रेस को, नेताओं को प्रभावित करके, और पूरे एजेंडे उसमें डलवा दिया है जिसको देश, नहीं नहीं आप इसको अकेले मत देखिए, पूरे को मिला के देखिए कि देश द्रोह कानून को खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पुलिस अगर किसी को पकड़ती है बिना 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 धारा लगाए, गिरफ्तार करती है, टॉर्चर करती है, वो सब खत्म करके अत्याचार निवारण कानून बनाएंगे, अफसपा को संशोधित कर देंगे। तो इन सब को मिला के जब देखते हैं तो एक अलग प्रकार के कांग्रेस की पिक्चर बनती है, जो लगता ही नहीं कि नेहरू जी की कांग्रेस है, इंदिरा जी की कांग्रेस है। इसी इंदिरा गांधी ने 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया था, जबकि आतंकवादियों ने रविंद्र महात्रे को किडनैप किया था और कहा था कि नहीं छोड़ेंगे तो मार देंगे। क्या यह इंदिरा गांधी की पार्टी है जिसने जो है, क्या यह राजीव गांधी की पार्टी है जिन दोनों की हत्या आतंकवादी द्वारा कर दी गई है? तो इसलिए यह केवल पॉपुलिज्म नहीं है, देश के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति है। यह पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो देश की समय उभरी हुई भावनाओं के विरुद्ध जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने अपनी नादानी से भारतीय जनता पार्टी को जानबूझ के ये मुद्दे थमा दिए हैं। डॉक्टर विजय राठी जी, देखिए मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा कि ये सारी चीजें ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं, है नहीं, मैं एक चीज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, देखिए 370 है ना, 370 है, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ उस पार्टी से जिसने कहा था कि हम हटा देंगे,
उसके बाद पूरे पांच साल में, देखिए पूरे पांच साल में मुझे कोई कोशिश नजर नहीं आई। एक और काम हुआ शीतल जी, सुन लीजिए एक और चीज है, एक और मुझे कोई कोशिश नजर नहीं आई, सुन लीजिए। दूसरी बात यह है उस कोशिश की जगह मुझे क्या नजर आया, मुझे नजर ये आया कि वहां सज्जाद लोन को बीजेपी ने अपने कोटे से मिनिस्टर बनाया और वो नाराज हुए। अन्य पिछड़ा मामलों का मंत्रालय उन्हें दिया, उन्होंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। हाँ। बीजेपी पीडीपी दोनों उसके सामने नतमस्तक हुए और उनको फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया। ये देश की जनता को जानना चाहिए कि वहां जाकर के तुम नहीं अलगाववादी नेता के बेटे को मंत्री आप अपने कोटे से बना रहे और यहां आप कह रहे हैं फिर दोबारा से आपने 370 का राज छेड़ दिया। बात केंद्रित नहीं, मैं कह रहा हूं ये अगर ओवरऑल इसको हम लोग देखें तो ये मुद्दा ही देश में इसलिए छड़ गया। खत्म करने के पक्ष में क्या समाजवाद पार्टी है? हम लोग समाजवादी पार्टी हमेशा से सेना के पक्ष में रही है, क्योंकि हमेशा और देखिए कभी हमारा कोई बयान ऐसा नहीं आता है कि हम लोग देश के खिलाफ नहीं देंगे। आप कभी हमारा ऐसा बयान नहीं आया है ना, सबसे कांग्रेस ने गलत किया है ना, हम लोग यही तो कर रहे हैं। बीजेपी ने जो किया होगा बीजेपी भुगतेगी, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतने समय तक राज में रही है इस प्रकार के घोषणा करेगी दुनिया के सामने कि भारत की पुलिस भारत की सेना होगी इसके सामने। चलिए हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सभी बने रहिए। तनवीर दान पीडीपी के नेता हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं, मैं तनवीर दान के पास चलूंगी। तनवीर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनवीर आप जी जी मुझे ये बताइए, हम सब जानना चाह रहे हैं कि महबूबा जी ने जो कहा कि 2020 का डेडलाइन 370 अगर हटा तो भारत पाकिस्तान भारत से कश्मीर अलग कर देंगे, जो इस तरह की बात उन्होंने कही है, क्या वजह है, क्या मजाक है, क्या ये? देखिए मैम के दफा 370 जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के यहाँ के हर आवाम जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए ये जो एक दफा उस वक्त के महाराजा ने जो जिसको हिंदुस्तान के साथ अलायंस किया उस वक्त ये उनके साथ शराइत पे जो अलायंस हुआ है ये उसी की बात महबूबा जी करते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके तहफ्फुज की बात है, इसमें कोई वो बात तो है नहीं, कोई हिंदुस्तान को कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात तो है नहीं है। तो इसमें यही है कि जहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं अगर 370 रहते हुए दफा 335A रहते हुए तो अगर हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ अलायंस में है तो यहाँ लोगों को क्यों परेशानी होती है? दूसरी बात क्यों बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 तो 1950 में आया, एक्सेशन तो 47 में हुआ, 26 अक्टूबर में हुआ, एक्सेशन की लेटर है गूगल कर लीजिए मिल जाएगा, उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सदर रियासत करण सिंह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था एक्सेशन, जिनके पिताजी ने एक्सेशन साइन किया उनके सामने साइन किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपने पार्लियामेंट के अंदर भी सुना होगा, उन पार्लियामेंट में भी उन्होंने यहाँ उस पार्लियामेंट के अंदर ये खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान चली जाएंगी, क्या वो तो कह रही है कि हम तोड़ देंगे कश्मीर और ये छोड़ दीजिए हम उस पर नहीं जाना, हम चाहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीर को तोड़ने के लिए क्या करेगी भारत से अलग करने के लिए? ये तो उसमें पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बयान दिया है, अगर आपको अगर है तो आप कहीं से निकाल के आप देख सकते हैं ये प्रोविजन होता है। अगर उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने ये किया तो यहाँ की आवाम को देखते हुए यहाँ के जो है उनकी परेशानी को देखते हुए आपकी पार्टी, एक सेकंड रणवीर साहब आपकी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी की प्रमुख ये कह रही है कि अगर 370 को हटाया गया तो हम 2020 में कश्मीर पाक, ये क्या आपकी बकौती है जम्मू कश्मीर, आपकी जागीर है जम्मू कश्मीर, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या पीडीपी की जागीर है जम्मू कश्मीर? कैसे कह सकती है महबूबा मुफ्ती ये, कैसे कह सकती है पीडीपी ये, आपकी जागीर है क्या जम्मू कश्मीर में, इकलौते आप ही है क्या? जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है ये नहीं है आवाज, मैं भी कश्मीरी हूँ, ये आवाज नहीं है। महबूबा मुफ्ती को तो एनएसए में बंद करना चाहिए, पीएसए में बंद करना चाहिए, ठीक है? और ऐसे ऐसे अगर ऐसे किसी आम आदमी ने बोला होता तो शायद अंदर होता, अंदर करिए महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, तब समझ आएगा उनको। 86 में फारूक राजीव अकॉर्ड हुआ, वो अकॉर्ड बनाया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, महबूबा के पिताजी ने, उसमें क्यों नहीं आया पीएम 370 35 से, क्यों नहीं आया?
75 में शेख रिकॉर्ड हुआ उसमें क्यों नहीं आया? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप लोग जमाते इस्लामी लश्कर तायबा को खुश करने के चक्कर में ना रहे, वो तो जाएंगे जाएंगे, आप ही नस्ते नबूद हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि पीडीपी मोदी कौन है जो कश्मीर को भारत से अलग करने वाली, पीडीपी मोदी कौन है? जम्मू लद्दाख कश्मीर कश्मीरी पंडित तमाम लोग इस देश के हिस्सा है, भारतीय है, पीडीपी कौन होती है देश से अलग करने वाली जम्मू कश्मीर को? आपने कब से अपने आपको मान लिया रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर का, मुझे बताइए। ये हम नहीं मान रहे, लोग मान रहे हैं, हमें हम लोगों की दिल की बात कर रहे हैं, लोगों के जज्बात की बात कर रहे हैं, यहाँ के हर रहने वाले हर शहरी की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का हर शहरी ये चाहता है अगर हमारा सेशन हुआ है, हमारा अगर हिंदुस्तान के साथ इलेक्शन हुआ है तो ये किसी शरायत पे हुआ है। अर्बन इलेक्शन से तो भाग गए आप, अर्बन इलेक्शन से तो भाग गए आप, पंचायत इलेक्शन से भाग गए आप, और आप कहते हैं आप लोगों की आवाज है, जो एक इलेक्शन से डर जाता है वो लोगों की आवाज कैसे हो सकता है? एक और चीज लगता है अमित, और सड़क नाली बने तो 35 से याद आता है, नाली बन सड़क बने तो 370 याद आता है, मगर आज खुद इलेक्शन लड़ना है तब याद नहीं आता है। कितना गिरोगे पावर के लिए पीडीपी वालों, कितना गिरोगे? रोड बनती है तो वो हमारा हक है, हमारे यहाँ पे बिजली के जो प्रोजेक्ट जितने भी आप लोग, तो इलेक्शन क्यों बाइकआउट करे? आपकी आवाज कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे। नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं, 35 से संविधान का पाठ था ही नहीं है तो देश जानता है, 370 टेम्पोररी प्रोविजन है, इनको मालूम नहीं है, या तो यही गलत फहमी फैला करके महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये सब राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बिल्कुल गलत सूचनाएं देके और लोगों को भड़काते हैं। लेकिन ये जो बयान है ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR तो दर्ज होना ही चाहिए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई हो वहां से वहां सीधी सी बात है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ शीतल, एक बात और है कि किसी भी चीज का ना हर चीज की एक एज होती है, ये सब जो बयान दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इनकी राजनीति का एज अब खत्म हो रहा है, अब देश एक नई दिशा में जाने की कोशिश में लगा है, शायद देश की और कश्मीर की नियति भी कुछ विशेष हो, क्योंकि पिछले बार फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि पीओके आपके बाप का है कि आप ले लेंगे, और उसके खिलाफ देश में वातावरण बना, महबूबा के खिलाफ देश में वातावरण बना, तो मुझे लगता है कि ये लोग जितना ही अभी बयान दे रहे हैं उतना ही कश्मीर को लेके देश के एक एक व्यक्ति की भावना जो है वो बिल्कुल भड़क रही है, और लोग चाहते हैं कि ये लोग देश की राजनीति से बाहर हो और कश्मीर को संपूर्ण विलय के लिए जो जो करना है वो किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये सब देश के हित में ही बयान है, इनको तो और थोड़े दिन बोलने देना चाहिए चुनाव भर। ठीक है जयराम विप्लव, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं फिर मैं सबसे क्लोजिंग कॉमेंट लूंगी, वक्त खत्म हो रहा है। जयराम विप्लव, देखिए शीतल जी, मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पीडीपी के प्रवक्ता को कि जम्मू कश्मीर ना तो उमर अब्दुल्ला के अब्बा की जागीर है और ना ही महबूबा मुफ्ती के अब्बा की जागीर है कि वो भारत से अलग होने की बात करें। जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको बीते दिनों उनकी औकात बता दी है। और दूसरी चीज, ये 130 करोड़ भारतीय जो बार बार ये कहते हैं, नारा लगाते हैं कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, तो कोई अपने वक्तव्य में कहता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये जो राष्ट्रीय भावना का ज्वार है ये उस पर हमला है, और 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के सामने, उनकी राष्ट्रभक्ति के सामने महबूबा और अब्दुल्लाओं की चलने वाली नहीं। ठीक है, ओके, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं चलते चलते क्लोजिंग कॉमेंट लूंगी, मैं चलूंगी जनरल राज कादियान के पास। जनरल राज कादियान, वोट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के देशद्रोह से भरे बयान देने वाले नेताओं का क्या इलाज होना चाहिए? ये महबूबा मुफ्ती की शायद मजबूरी होगी जो उन्होंने वो बोला है, जो जिसकी रिपोर्ट आई है, ना उनके पास अथॉरिटी है ना उनके पास पावर है कि वो एक्सेशन को रिवोक करें, तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। मेरा मानना है देश के हर नागरिक के ऊपर यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए, 370 भी हटना चाहिए, 35A भी हटना चाहिए, और भी अगर ऐसे प्रावधान है सबको हटाना चाहिए। अगर देश को आर्थिक तरीके से, उसको सामाजिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से एकाकीकरण करना है तो यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है।
महबूबा मुफ्ती जी क्या कहते हैं उनकी मजबूरी समझ के उसको इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राठी, आप मुझे भटकाइएगा मत, सीधे सवाल का सीधा जवाब, इस तरह के बयान देने वाले नेताओं का क्या इलाज? अब नहीं देखिए, उसको तो कोई भी नेता अगर देश को नहीं, 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 मैं देखिए देश को तोड़ने का कोई भी अगर बयान देता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी देश के साथ है। कश्मीर भारत का अभिन्न, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन मैं उन लोगों की बात ठीक है चाहता ओके, जो ओके, झूठ आज, बोलते हैं आज की बात जो झूठ बोल के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। अमित क्लोजिंग कमेंट और फिर अवधेश जी क्लोजिंग। देखिए हम आतंकवादी जो सीमा पार है उनको ढूंढ रहे हैं, जो हमारे घर में आतंकवादी हैं। एक व्यक्ति की हिम्मत कैसे होती है कि इस देश को तोड़ने की बात करे, इस देश को चैलेंज करे? तो जो हम उस आतंकवादी के साथ करेंगे जो सीमा पार है, हम अपने घर में बैठे हुए आतंकवादी साथ भी वही करना पड़ेगा। बिल्कुल अवधेश जी क्लोजिंग। देखिए मैं तो इग्नोर करने वाला यह बयान बिल्कुल नहीं है। वो मुख्यमंत्री रही है, वो यहाँ एमपी रही है सेंटर में, इसलिए ऐसे व्यक्ति का बयान जो है केवल निंदा का यह विषय नहीं है। एक परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि पूरा वातावरण ऐसे नेताओं के खिलाफ बने, और इसके रिएक्शन में ही सही भारतीय जनता पार्टी अब अपना कुछ जो उसका बचा खुचा है वो दिखाए, और इसके खिलाफ जो है अगर पता नहीं अगली सत्ता में जो भी आता है 370 का कम से कम एक बार ले तो आए संसद में बिल, कि उसके बाद देश में क्या बहस होती है। और 35 है ना, तो अभी बीजेपी के हाथ में है ना उनके हाथ में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है, उसका भी फैसला तुरंत आना है। लेकिन देश चाहता है कि 35 ए को रिपील किया जाए, देश में बहुमत चाहता है 370 खत्म हो। महबूबा का बयान देश की भावना के विरुद्ध है और देश के भी विरुद्ध है। बिल्कुल, तो चलते चलते वोट के लिए देश को तोड़ने वाले बयान देने वाले नेताओं का भरपूर बॉयकॉट किया जाए, राजनीति से इन्हें उखाड़ कर बाहर फेंका जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी यानी हमारे व्यूअर्स की इस मामले में क्या राय है हमें जरूर ट्वीट कीजिए @जनतंत्र टीवी पर @शीतल राजपूत। एंड पर आज के लिए इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।